भाई सलाम मगर जब तक एप्टेक को बाहर नहीं करेंगे, जो असली समस्या का जो असली वजह है उसको जब तक दूर नहीं करेंगे तो तब तक तो कोई फायदा नहीं है। एप्टेक को दूर करके या तो SSRB खुद एग्जाम कंडक्ट करे या किसी ऐसी एजेंसी को एम्प्लॉय करे जो बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो, तब बात बनेगी। खाली एग्जाम डेफर करना सॉरी, जो कैंडल मार्च किया था अपने JKSSB के खिलाफ बच्चों के फेवर में, वो सक्सेसफुल हो गया? नहीं, देखिए वो तो अधूरा है, अभी तो खाली एग्जाम डेफर हुए हैं, अभी तो एप्टेक को बाहर करना है, उनके खिलाफ एक्शन करना होना चाहिए जिन्होंने उनको एम्प्लॉय किया, और उसके बाद कोई नई एजेंसी को एम्प्लॉय करके एग्जाम होने चाहिए। अभी तो ये अधूरी बात है। मैडम, ये बात तो ठीक है, आपके गवर्नर पर आपका एक बयान आया था कि ये यूपी के हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर और वहाँ पर माफिया और गुंडों को जो है नौकरी दी जाती है। कल उसी सवाल पर उन्होंने जवाब दिया है कि हमने 47 कोई कर्मचारी हैं जो जम्मू कश्मीर के हैं, उनको हमने बाहर का रास्ता दिखा दिया जो देश विरोधी कार्यों में सम्मिलित थे। किस तरह से उसमें मैं क्या देखूं, जब से ये गवर्नर साहब आए हैं जो जो नौकरियों से लोगों को निकाला जाता है, नौकरी किसी को दी नहीं जाती है, बल्कि जब नौकरियों के लिए बच्चे हमारे पढ़ लिख के मेहनत करके एग्जाम देते हैं उसमें दादलियाँ होती हैं, तो ये तो मुझे लगता है रिकॉर्ड बनेगा इस गवर्नर साहब का जितने लोगों को ये नौकरियों से निकाल रहे हैं। मैम, आप जैसे मंदिर में गए और शिवलिंग वहाँ किया, तो BJP का कहना है कि आप डबल स्टैंडर्ड कर रहे हैं। नहीं, डबल स्टैंडर्ड की क्या बात है इसमें, हम एक सेक्युलर मुल्क में रहते हैं जहाँ गंगा जमुना तहजीब है, वहाँ हमारे जो यशपाल शर्मा ने वो मंदिर बनाया है और उनके बेटे चाहते थे मैं अंदर जाके देखूँ, तो मैंने मंदिर देखा जो उनने बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया, बड़ा पुंछ वालों ने बहुत दिल खोल के पैसा दिया है, और उसके बाद वहाँ किसी ने मेरे हाथ में बड़ी श्रद्धा से पानी का लोटा रख दिया कि आप इस पर डालिए। तो जब कोई इतनी श्रद्धा से इतनी प्यार से आपसे कोई बात करे तो आप तो उसको दिल तो नहीं तोड़ेंगे, नहीं मैं नहीं डालूंगी, तो उन्होंने कहा, तो मैं क्या बोल सकती हूँ उसमें। किसी ने कहा है कोई किसी को ऑस्कर के लिए बोलेगा नॉमिनेट करो, तो मैं उसपे मैं क्या कमेंट कर सकती हूँ। मैम, जो अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग आज हुई है, क्या आपको लगता है कि अपोजिशन पार्टीज का एक रोल बनता है नेशनल पार्टीज को ऐसे कमीशन से मिल रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कमीशन जल्दी से यहां? देखिए, मुझे इलेक्शन कब हो क्या हो दैट इज नॉट माय प्रायोरिटी, और जो जहाँ हमारे मुश्किलात है जम्मू कश्मीर में, खासकर 2019 के बाद, तो हमारे भी रिप्रेजेंटेटिव गए हैं रीन साहब, जनरल सेक्रेटरी हमारे, ये बताने के लिए कि जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद कितनी मुश्किलात है लोगों को, कितना यहाँ पर सप्रेशन है, कितनी यहाँ पर नौकरियों में दांदलियाँ होती हैं, कितना यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर के लोगों को दिए जाते हैं, यहाँ के जो लोगों की जो रेत हो, बाजरी हो, जो लिकर हो, कॉन्ट्रैक्ट्स बाहर के लोगों को दिए जाते हैं, और यहाँ के लोगों को इंडस्ट्री बिल्कुल ठप हो चुकी है, यहाँ की लोकल्स को कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाती है ज़मीन में, बल्कि आउटसाइडर्स को कहा जाता है। यहाँ तक कि आज तक 2019 से लेके आज तक कोई भी आउटसाइडर ने यहाँ इंडस्ट्री सेटअप नहीं की, कोई उससे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी, खासकर अगर आप जम्मू को देखें, जम्मू में दरबार मुँह बंद होने के बाद जम्मू का जो मार्केट का जो यहाँ पर है वो बिल्कुल ठप हो गया है, बैठ गया है, इकोनॉमी यहाँ की ठप हो गई है, और जम्मू में सबसे ज़्यादा बाहर के लोगों का आना और बसना शुरू हो गया है। मैडम, सवाल है तो बहुत बुरा है, पर हमारे यहाँ का लोग मिनिस्टर्स, एक्स मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर, उनको अरेस्ट करके जेल में डालते हैं, तो ये तो मसला तो कोई मुझे लगता है डिफरेंट नहीं है। अगर वहाँ पर इमरान खान को वो बंद करना चाहते हैं जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, आपको याद होगा नरसिम्हा राव जी वो भी जेल गए हमारे यहाँ, और ये तो कानून की बात है, मगर हमारे यहाँ तो इस वक्त जो हो रहा है, जो ED और CBI का जिस तरह से गलत इस्तेमाल हो रहा है, जो अपोजिशन के लीडर्स को जेलों में डाल दिया जाए, जैसे सिसोदिया की बात करें, ये जो के कविता की बात करें जिसको बुलाया गया है, ये लालू प्रसाद यादव की बात करें, शिवसेना के जितने भी अपोजिशन लीडर हैं उनको जेलों में डाल दिया जा रहा है, तो ये तो मुझे लगता है कोई
पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं हो रही जो यहाँ नहीं हो रही है, वो तो खैर उसमें तो मैं नहीं जाऊंगी, मजहब मेरी क्या इजाजत देता है क्या नहीं देता है। ये गंगा जमुना तहजीब वाला मुल्क है, यहाँ हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते हैं, यहाँ जो हमारे ज़ियारतें हैं वहाँ मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू लोग चादर चढ़ाते हैं। तो इसी तरह मंदिर में जाके अगर किसी ने आपके हाथ में पानी थमा दिया कि आप इस पे डाल दीजिए, मैंने डाल दिया, तो ये मेरा मामला है, इसमें तो मैं समझती हूँ कि ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, धर्म के नाम पर टोपी पहनने से इनकार कर दिया था मोदी जी ने, वो तो मैं क्या करूँ उसमें। उसके रिजल्ट में एलजी साहब ने एक सजेशन के लिए खोल दिया कि अपनी वेबसाइट पे आप सजेशन दे सकते हैं, क्या सजेशन सही है या मैंने कहा डिफरमेंट करना, किसी चीज को टालना उसका इलाज नहीं जब तक उस चीज को खत्म ना किया जाए। थैंक यू। बातचीत करने की कोशिश की और एक सवाल रखा कि जिस तरीके से जेकेएसएसबी ने जो है एग्जाम को डेफिनेट कर दिया, तो उसके ऊपर हमारा सवाल है आपकी क्या वैल्यू बताया गई है जो आतंकवाद